नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, देख लेते हैं आज दिन भर की हलचल क्या हुई है। तो दिन भर में आज किसान भाइयों, प्याज का निर्यात फिर से गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए खोला है। और जो बॉर्डर पर जो गाड़ियां खड़ी थी या बंदरगाह पर जो भी गाड़ियां या कंटेनर थे, उन सभी को आज निकलने दिया है और बॉर्डर खोल दी गई हैं। बांग्लादेश के लिए प्याज आज निर्यात फिर से चालू कर दिया है। तो किसान भाइयों, प्याज में फिर से आज आपको तेज़ी देखने मिली है, क्योंकि जो ट्रक और कंटेनर बंदरगाह पर फंसे हुए थे या बॉर्डर पर फंसे हुए थे, उन सभी को आज गवर्नमेंट ने निकालने की एक लेटर जारी करके अनुमति दे दी है। तो व्यापारियों का जो माल वहाँ पर सड़ने लगा था या ख़राब होने लगा था, उस वह माल अब बाज़ार में निकलने लगा है। तो इसके साथ ही किसान भाइयों, जो विदेश में माल पहुँचना था, वो बांग्लादेश ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और वहाँ पर भी जाने लगा। इसके साथ ही भूटान के लिए भी जो वाघा बॉर्डर पर कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर भी रुकी हुई थी, तो उन गाड़ियों को भी आज निकलने दिया। इसके साथ ही नेपाल के लिए जो प्याज रवाना हुआ था और वहाँ बॉर्डर पर जो फंस गया था, उसको भी आज निकलने दिया। तो आज आपने देखा होगा कि सभी मंडियों में लगभग 200 से 500 रुपए की प्याज में तेज़ी देखने को मिली है। तो किसी किसी मंडी में तो 500 रुपए तक की तेज़ी देखने को मिली है। हैदराबाद में जो अच्छा सुपर क्वालिटी का बेस्ट माल था, उसमें 500 रुपए की तेज़ी आज देखने को मिली है। और गोल्टा गोल्टी माल में भी 500 रुपए के लगभग तेज़ी देखने को मिली है। इसके साथ ही जो बेंगलुरु की मंडी थी, वहाँ पर भी प्याज में आज रेट अच्छी देखने को मिली है और आवक भी लगभग थोड़ी बहुत कम पड़ी है। लेकिन जो रतलाम मंडी और इंदौर मंडी है, वहाँ पर भी आवक ज़बरदस्त होने के बावजूद भी आज प्याज अच्छी क्वालिटी का अच्छे भाव पर बिका है। तो किसान भाइयों, ये जो दिन भर की हलचल थी वो आज रही हैं और काफ़ी अच्छा सुबह से दिन चला है। जो काफ़ी गाड़ियाँ वापस रवाना हो ही चुकी हैं और काफ़ी माल जो वहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, उस रोका गया था बॉर्डर पर, वो निकलने लगा है। तो दो चार दिन के लिए जो भी उनको छूट प्रदान की गई है, व्यापारियों को, वो अपना माल निकालने में समर्थ हो जाएंगे और उनका माल पूरा का पूरा ही विदेशों में निकल जाएगा। इसके साथ ही जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनमें काफ़ी अच्छी प्याज की अभी डिमांड है, ज़ोरदार हैं। वहाँ पर प्याज अभी काफ़ी उछाल मार चुका है। बांग्लादेश में भी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ भाव होने की वजह से बांग्लादेश ने इस प्रकार का कदम उठाया और भारत से मांग की कि अचानक से आपके द्वारा जो प्याज को निर्यात बंद कर दिया गया है, वो नीति के विरुद्ध है, इसलिए गवर्नमेंट ने दोबारा से उस प्याज को निर्यात के लिए खोल दिया है। लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए निर्यात नहीं खोला गया है किसान भाइयों, केवल और केवल जो माल वहाँ पर जो एकत्र हुआ था, उसको निकालने के लिए ही खोला गया है। और इसके साथ ही जो नेपाल में है, वहाँ पर भी प्याज की रेट बम्पर बढ़ गई हैं। लगभग 120 से 150 प्रति किलोग्राम के हिसाब से नेपाल में प्याज बिकने लगा है। जैसे ही भारत ने प्याज प्रतिबंध लगाए हैं, तो नेपाल में हवा हो गई और एकदम से कालाबाजारी तेज़ गति से बढ़ गई और वहाँ पर भी प्याज में भारी वृद्धि हुई है। तो किसान भाइयों, ये जो रिपोर्ट है आज के दिन भर की, प्याज की रिपोर्ट है और प्याज में अब आपको आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिलेगी। और अफगानिस्तान से जो गाड़ियां निकल चुकी थी पहले, इस प्रकार सा जो काफ़ी वायरल मैसेज हो रहा था, तो अभी तक अफगानिस्तान से किसी प्रकार की कोई गाड़ियां हिंदुस्तान तक प्याज की नहीं पहुँची हैं और न ही मार्केट में अफगानिस्तान का प्याज अभी पहुंचा है। तो किसी प्रकार से अभी अफगानिस्तान की गाड़ियां अगर एक दो दिन में पहुंच भी जाती है, तो इतना जल्दी मार्केट में सप्लाई नहीं होगा। और वहां के जो प्याज की रेट हैं, वो किसान भाइयों 30 से 32 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इंडिया में लग रहा है। तो वो जो व्यापारी हैं, वो उसको 32 रुपए से ऊपर ही उनको भाव मिलेगा, तभी उस प्याज को बेचेंगे, नहीं तो वो यहाँ खरीद कर ला करके स्टोर रखेंगे, उसके बाद ही उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये इंपोर्ट करने वाले जो व्यापारी होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस रेट में वो प्याज को निकालना है। तो वो भी चाहेंगे कि भाई उनको जो वहाँ से माल खरीदा है, उन्होंने इंपोर्ट करवाया है, भारत सरकार ने उनके थ्रू जिन व्यापारियों के मार्फत ही माल मंगवाया जाता है, वो भी चाहेंगे कि उनको भी उस माल का बहुत ही अच्छा लाभ मिले और वो अच्छे भाव में बेचना चाहेंगे। तो आने वाले दिनों में अभी आपको वापस दोबारा से एक बार तेज़ी मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी
आपको 40 से 45 रुपये का भाव अभी 5-7 दिन में आपको वापस देखने को मिलेगा, और प्याज में ज़बरदस्त उछल दोबारा से आने की संभावनाएँ पूरी पूरी लग रही हैं। तो ये थी प्याज की पूरी पूरी रिपोर्ट। इसके साथ ही किसान भाइयों लहसुन पर देख लेते हैं, लहसुन में क्या हुआ आज। लहसुन की जो ब्लेस्ट क्वालिटी है वो 8 से 10 हज़ार के बीच बिक रही हैं, कहीं कहीं किसी किसी ढेर में 12 से 13 हज़ार रुपये भी अगर सबसे सुपर माल है तो बिक रहा है। ऊँटी का माल है तो वो उच्च क्वालिटी का है, अच्छा है, तो वो 13 हज़ार तक बिक रहा है। लेकिन कुछ किसान भाइयों ऐसे भी सूचना है कि ईरान और इराक से जो लहसुन का आयात भारत में किया जा रहा है, तो लहसुन का आयात तो ज़रूर किया जा रहा है लेकिन वो उतनी मात्रा में अभी भारत में नहीं मंगवाया है। और भारत में जो लहसुन उत्पादन होता है वो वही लहसुन भारत में ज़्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि जो सेंटरों पे डिमांड रहती है वो भारतीय लहसुन की रहती है, ईरान और इराक के लहसुन की इतनी डिमांड नहीं रहती है। और जो भारतीय लहसुन अभी 10 और 11 में पड़ रहा है वही लहसुन उनके ईरान और इराक से खरीद के ला रहे हैं, वो 10 और 11 में उनको भी पड़ रहा है। तो भारत में जो लहसुन वो निकालेंगे तो उसको कम से कम रेट 1000 रुपये क्विंटल बढ़ा के ही निकालेंगे, क्योंकि 12 या 13 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही उस माल को मार्केट में निकालने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों आपको जो लहसुन है वो ज़्यादा प्रचलित है हिंदुस्तान में, और विदेशी लहसुन की डिमांड कम है, काफ़ी सेंटरों से जो उठाव होता है वो विदेशी लहसुन का नहीं होता है, ज़्यादातर डिमांड अपने भारतीय लहसुन की रहती हैं और भारतीय लहसुन का स्वाद अच्छा होता है। इसलिए आपको जैसे ही शीतकालीन या जैसे ही त्योहारी सीजन स्टार्ट होगा नवरात्रा के पश्चात, तो आपको ज़बरदस्त उछाल 2 से 3 हज़ार रुपये का एकदम से उछाल देखने को मिलेगा और भारतीय लहसुन के भाव वापस दोबारा से बढ़ने लगेंगे। तो किसान भाइयों जो लहसुन है इंडिया का वो अभी विदेशों में निर्यात भी चालू है, निर्यात किसी प्रकार का बंद नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियन लहसुन की जो मांग है वो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनमें बहुत ही अच्छी हैं, और वहाँ पर भारतीय लहसुन का अभी भी निर्यात चालू पूरी तरह से हैं, जिस प्रकार से पहले है लहसुन जा रहा था उस प्रकार से अभी भी। और अभी तक जो $5 मिलियन के लगभग भारतीय लहसुन का निर्यात पूरे राष्ट्र से हो चुका है और काफ़ी अच्छी मात्रा में लहसुन बाहर निकल चुका है। अब जो लहसुन बचा है किसानों के पास वो भी काफ़ी कम बचा हुआ है, ये तो इसकी वजह से हो रहा है कि मंडियाँ लगातार बंद रहती हैं तो आवक एकदम से ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भाव ज़्यादातर डाउन हो जाते हैं। अगर रेगुलरली एक ही सिस्टम से माल आता रहा या समान तरीके से अगर माल बिकता रहता है तो किसी भी प्रकार से अभी भी आपको कोई नरमी नहीं मिलती, लेकिन जो एकदम से मंडियों में इतनी बंपर आवकें हो जाती हैं, व्यापारियों के पास भी इतना स्टॉक करने की जगह नहीं होती है, साथ ही एक जो पेमेंट होता है उसका भी काफ़ी पेमेंट लहसुन का करोड़ों में बनता है तो वो भी भुगतान करना पड़ता है, तो पेमेंट का सर्कुलर भी बनाना पड़ता है और लहसुन का जो सर्कुलर है उसको भी रेगुलर बनाना पड़ता है, एक सेंटर तक पहुँचाना और वापस वहाँ से पेमेंट को एक रेगुलर सिस्टम के तहत आना और जाना। तो इस प्रकार का जो रेगुलर सिस्टम है वो नहीं बन पा रहा है, कभी बंद और कभी चालू, और COVID-19 की वजह से और काफ़ी कोरोना वायरस फैल रहा है उसकी वजह से ये स्थिति बन रही है, इसलिए किसी प्रकार की कोई लहसुन में भी नरमी नहीं है। तो किसान भाइयों आने वाले दिनों में आपको अच्छे त्योहारी सीजन और शीतकालीन सत्र में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और लहसुन के भाव आने वाले दिनों में अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये थी किसान भाइयों प्याज और लहसुन दोनों पर ही एक सामूहिक आज की जो विश्लेषण रिपोर्ट थी। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।